हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दो बहुत इम्पोर्टेंट और वेरी इजी ट्रिक देने जा रहा हूँ। देखो, ट्रिक का ये मतलब नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। ट्रिक का मतलब है कि कंसेप्ट के साथ और चैप्टर की फीलिंग लेते हुए उस चीज़ को हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम कैसे इजीली बना सकते हैं, उसका नाम है ट्रिक। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग में, कि कोई भी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल का है अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो डैट्स वेरी सिंपल। मैंने एक पॉइंट लिखा है, ध्यान दो, कि जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं उसका मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है, 4। इसका क्या कहने का क्या मतलब है कि उसकी अपर लिमिट जो है वो फिक्स हो चुकी है। सेकेंड पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट हैं, और एलिमेंट हैं ही कितने, टोटल 8 हैं, राइट, सेकेंड पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसका अपर लिमिट मैंने फिक्स कर दिया है कि वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना चाहिए उसको, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें फिक्स हुई हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि अब उसके बाद मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएगा ये कैसे निकालेंगे, तो आप देख लो कि वो नॉर्मल कितना बॉन्ड बनाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और मैक्सिमम जो हो जाएगा उससे फिर एक ज़्यादा कर देना है। नॉर्मल इन द सेंस कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो जितना बनाएगा प्लस उससे एक ज़्यादा कर देंगे तो वो मैक्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप समझे कि मैंने एलिमेंट ले लिया, ध्यान से देखो, P2 मतलब सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में कोवेलेंट बॉन्ड जनरली कौन कौन बनाएंगे, बेरिलियम बनाते हैं, राइट, गैस फेज में बोरॉन बनाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तो बनाएंगे, नॉन मेटल हैं तो नियॉन तो खैर कोई बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, नोबल गैस है। तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिखे। नॉर्मल कितना बनाएगा, तो डैट्स वेरी सिंपल, बेरिलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये 2 बनाएगा, राइट। यहाँ पे बाय द वे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, राइट, लुईस ऑक्टेट थ्योरी को ये फॉलो नहीं कर रहा है। बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो इसलिए नॉर्मल ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 3। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे, राइट। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो ये कितना नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4, राइट। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, राइट, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए कितना बॉन्ड बनाएगा, 3, जिससे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए कितना बॉन्ड बनाएगा, नॉर्मल 2। फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए कितना बॉन्ड बनाएगा, 1। नियॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, 0, राइट। ये सभी को मालूम होता है, वेरी सिंपल लिखा। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब मैक्सिमम कितना बनाएगा, तो ये वाला पॉइंट अप लगा दो। मैक्सिमम बॉन्ड नॉर्मल से एक ज़्यादा होगा, तो ध्यान से देखो ये मैक्सिमम कितना बनाएगा, नॉर्मल से एक ज़्यादा, और ये भी ध्यान रहे कि मैक्स कितना, 4 ही हो सकता है। तो बेरिलियम नॉर्मल से एक ज़्यादा तो 3 और मैक्सिमम 4, तो चूंकि इसके पास 2-2 वैकेंट ऑर्बिटल हैं तो इसलिए कितना बना लेगा, 4, राइट। बोरॉन में नॉर्मल 3 है उससे एक ज़्यादा करोगे तो 4। कार्बन में नॉर्मल 4 है उससे एक ज़्यादा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट फिक्स हो चुकी है, 4 ही बना सकता है, तो यहाँ पे 4। नाइट्रोजन नॉर्मल 3, मैक्सिमम उससे एक ज़्यादा, तो कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन नॉर्मल 2, नॉर्मल से एक ज़्यादा, तो कितना, 3, राइट, एक्सट्रीम कंडीशन में। फ्लोरीन नॉर्मल में 1 और उससे एक ज़्यादा, तो एक्सट्रीम कंडीशन में 2, और ये तो बनाएगा नहीं, तो 0, ओके। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना, बेरिलियम में क्या हुआ, 2-2 वैकेंट ऑर्बिटल है, और चूंकि मैक्स लिमिट भी फिक्स है तो इसलिए वो 4 तक गया है, राइट, नॉर्मल से 2 ज़्यादा हो गया बाय द वे यहाँ पे। और जनरली बेरिलियम आपका मेटल में है, राइट, सिर्फ गैस फेज में वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। नाउ पीरियड नंबर 3 या फिर उससे नीचे वाले जितने भी, पीरियड 4, पीरियड 5, 6, 7, तो पीरियड 3 या उससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है सबका नॉर्मल तो वही होगा जो सेकेंड पीरियड का रहेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम की बात करें तो नॉर्मल कितना होगा, 3। सिलिकॉन का कितना होगा, 4। फास्फोरस का फिर से 3। सल्फर का 2। क्लोरीन का 1। जेनॉन जो है, यू नो,
ओनली नोबल गैस जो आपका बॉन्ड बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड, राइट, इसके बारे में बात भी करेंगे। तो ये 4 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, XeF2 इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं 2। नाउ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सम में कितना है 6, मैक्सिमम सम में कितना कर देंगे, ध्यान से देखो, मैक्सिमम आपको सम में क्या कर देना है 6, एक्सेप्ट जो 17 ग्रुप वाला है इसमें मैक्सिमम 7, और ये जेनॉन भी आपका क्या बना सकता है 7। तो देखो बहुत सिंपल है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि कोई एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाएगा। सेकेंड पीरियड वाले का नॉर्मल सभी लोग ये चीज निकाल सकते हैं, मैक्स कैसे निकालेंगे, नॉर्मल से एक ज़्यादा, राइट। फिर थर्ड पीरियड वाले का जो, या उससे नीचे वाले का नॉर्मल तो वही रहेगा जो सेकेंड पीरियड का रहता है, मैक्स कितना होगा तो सबका 6 होगा, 17 का 7 है और 18 का भी आपका 7 है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये आप कैसे कह रहे हो, ये तो ट्रिक है, ठीक है, क्या कैसे रहो। तो देखो मैंने एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया बोरॉन कि बोरॉन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p1, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऑलवेज बॉन्डिंग में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैंने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखा तो इस टाइप से। इस कंडीशन में इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही बॉन्ड बना पाएगा, और चूंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है, तो इसलिए इस कंडीशन में तो ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, तो ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्साइटेड स्टेट, क्यों, क्योंकि इसके पास ध्यान से देखो तो दो घर खाली हैं, तो ये क्या करेगा, ये वाला तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, राइट, कभी भी इनर सेल वाले नहीं करते हैं, आउटर सेल वाले करते हैं। अब ये वाले को क्या करेगा, वो उठा कर करके यहाँ डाल सकता है, तो इसलिए मैंने एक्साइटेड स्टेट में ऐसा बनाया। अब कितने अनपेयर्ड हो गए यहाँ पे इसके, 3, तो इसलिए बोरॉन कितना बॉन्ड बनाया था, 3 नॉर्मल कंडीशन में, और एक्साइटेड कंडीशन में 4 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान से देखो उसके बावजूद इसके पास एक ये घर खाली है, तो ये किसी से लोन पर ले सकता है, इसलिए ये लुइस एसिड भी कहलाएंगे, एसिड वो है जो लोन पर एक्सेप्ट कर लें, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल भी कहलाएंगे, इसलिए ये आपका कैटलिस्ट का भी काम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबका इन्फॉर्मेशन अभी से आप लेते जाओ, तो आप देख सकते हो यहाँ से प्रॉपर फील हो गया होगा, क्योंकि बोरॉन ग्राउंड स्टेट में तो बॉन्ड ही नहीं बना रहा है, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना रहे 3 जो कि उसका नॉर्मल है, और मैक्सिमम 4 क्यों बना सकता है, वो मैक्सिमम 4 क्यों बना सकता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद भी एक ऑर्बिटल खाली है, तो वो किसी से एक और लोन पर ले सकता है, तो एक और बॉन्ड बना सकता है, तो बोरॉन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएंगे। वहीं पे थर्ड पीरियड वाला मैंने एक लिया क्लोरीन, तो इसका जो लास्ट शेल है जैट इज 3s2 3p5, और डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसको मैंने यहाँ दिखाया 3s 3p, एस में 2 पी में 5, राइट। तो ये अभी ग्राउंड स्टेट कंडीशन है, राइट, GS मतलब ग्राउंड स्टेट, तो इस कंडीशन में ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, जैसे HCl, राइट, या PCl5 एटसेट्रा, तो उस कंडीशन में जैसे HCl है, PCl5 है, PCl3 है, इन सब कंडीशन में क्लोरीन एक ही बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट में बना रहा है। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि क्या बोरॉन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना सकता है, नहीं, ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा। क्या कार्बन ग्राउंड स्टेट में बना सकता है, नहीं, ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में, तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। और यहाँ पे क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में बनाएगा तो एक बनाएगा, अब एक्साइट कर सकता है ये, क्यों, क्योंकि इसके पास पूरा डी खाली है, पूरा घर इसके पास खाली है, राइट। तो अगर वो एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, राइट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को वो डी में लेके जाएगा, यहाँ वाले को ये एक्साइट करेगा, तो इसलिए मैंने वो दिखाया, ध्यान से देखो ये 3s हो गया, ये 3p और ये 3d, डी वाले पूरे खाली थे, उसने 3p वाले एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ किया, तो अब कितने अनपेयर्ड हो गए, 3 अनपेयर्ड हो गए, तो इसलिए ये कितना बॉन्ड बना सकता है, इस कंडीशन में 3 बॉन्ड बना सकता है। तो क्लोरीन आपका 1 बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना बनाया गया, तो 3, सेकेंड एक्साइटेड मतलब इसको भी वो अगर एक्साइट कर ले 3p वाले दूसरे को, तो फिर देखो कितने अनपेयर्ड हो गए, 5, तो ये कितना बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है उस कंडीशन में। सिमिलरली अगर वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो ध्यान से देखो थर्ड एक्साइटेड में जाएगा, तो इसको कर चुका है ये, इसको कर चुका है, इसको भी एस वाले को भी कर सकता है, डी पूरा खाली है, तो देखो ये इस टाइप का दिखेगा आपको, तो आप ध्यान से देखो तो इसमें 7 अनपेयर्ड है, तो इसलिए 7 बना सकता है, इसलिए ध्यान से देखो मैंने उस वाले में लिखा है कि मैक्सिमम ये 7 बना सकता है और नॉर्मल इसका 1 है।
तो आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बस इस तरह से आपको घर बना लेना है। अगर घर खाली है तो फिर वो पेड को अनपेड कर सकता है, जब घर ही नहीं खाली है तो फिर क्या करेगा, फिर उसके पास मजबूरी है तो वो एक्सपेंड नहीं कर सकता ऑक्टेट को, जबकि थर्ड पीरियड वाले या उससे नीचे वाले एक्सपेंड कर सकते हैं अपने ऑक्टेट को, इसलिए वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट के भी एग्जाम्पल हो गए। तो चलिए हम कुछ अप्लीकेशन की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है कि विच कैन नॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया, पांच बॉन्ड बना लिया, राइट, NCl5। तो यू नो नाइट्रोजन की मैक्सिमम औकात जो थी वो चार ही थी, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं होगा। NCl3 बना सकता है नॉर्मल कंडीशन में, 3। OF4 ऑक्सीजन जो है वो आपका दो बॉन्ड बना सकता था और मैक्सिमम 3, यहाँ पे 4 है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो नाइट्रोजन NCl5 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पांच बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता। OF4 क्योंकि ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, और वो कैसे, तो वो टेबल वाले ट्रिक जो दिए उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, विच कैन नॉट एग्जिस्ट अगेन, ये और उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जैसे PH5, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि फास्फोरस हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है और फास्फोरस के सराउंडिंग में 5 हाइड्रोजन एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता है। PH3 एग्जिस्ट होता है बट PH5 नहीं बनते, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। HCl6 भी क्यों नहीं हो रहा है, ड्यू टू एस्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि सल्फर के अगेन सराउंडिंग में 6 क्लोरीन एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो HCl6 भी एग्जिस्ट नहीं होगा। वैसे ही SiBr4 ये भी एग्जिस्ट नहीं होंगे, क्यों, ब्रोमीन का बड़ा साइज होने की वजह से सिलिकॉन 4 ब्रोमीन को संभाल नहीं पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होंगे, डी ऑल। तो ये वो वाले पॉइंट है जहाँ पे आपको वो टेबल से भी ऊपर थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, ये सब एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच एलिमेंट मैक बॉन्ड ऑलवेज इन एक्साइटेड स्टेट, कौन ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में, तो आप बोरॉन को देख सकते हैं, राइट, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में तो वो वन ही बॉन्ड बना पाएगा, एक ही अनपेड है, तो इसलिए ये ऑलवेज एक्साइटेड, कार्बन ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में तभी 4 बॉन्ड बना पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा, डी। नाइट्रोजन तो आपका नॉर्मल स्टेट में बना सकता है, डेट इज 3 अनपेड होंगे तो 3 बॉन्ड बनाते हैं, जैसे NH3, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी। तो अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। तो ध्यान से देखिए कि अगर आपको पूछा जाए कि किसी गिवन मॉलिक्यूल में कितने pi बॉन्ड होंगे या कितने pi d बॉन्ड होंगे, ये अगर पता करना हो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग को बता रखा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन आप इजीली निकाल सकते हैं, राइट। हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, राइट। कभी भी पाई बॉन्ड जो बनते हैं, जो भी मल्टीपल बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड बनते हैं, वो ऑलवेज प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये पॉइंट आप लोग को क्लियर होगा, हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड ऑलवेज प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो ट्रिक का पॉइंट क्या है, तो वेरी सिंपल है, आप समझें कि आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेना है, दैट्स वेरी इजी, राइट। ऑलरेडी आपको ट्रिक बता रखा हूँ, तो आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हो गया सिग्मा बॉन्ड बनाने में, इसलिए उस ऑर्बिटल को आपको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना, मतलब वो तो चला गया सिग्मा में, तो वो पाई में यूज नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद जो ऑर्बिटल बचा हुआ है तो उसको यूज करेंगे हम किस में, पाई बॉन्ड बनाने में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल में काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितना पाई बॉन्ड होगा उतना ऑर्बिटल यूज होगा, और वो कौन सा ऑर्बिटल जो एलिमिनेट करने के बाद बचा है, राइट। एलिमिनेट करने के बाद जो ऑर्बिटल बचा है तो वो यूज होंगे पाई बॉन्ड बनाने में, और वो कितना पाई बॉन्ड बना है उससे हम पता कर लेंगे कि कौन कौन सा ऑर्बिटल फर्दर आगे यूज हुआ है, राइट। और एक तीसरा पॉइंट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी pi d बॉन्ड की बात आ जाए तो आपको एक बार ये भी देखना है कि क्या सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे का है कि नहीं, क्योंकि थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले एलिमेंट के पास ही डी ऑर्बिटल हैं, वैकेंट डी हैं, यू नो सेकेंड पीरियड के किसी भी एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए कभी भी pi d की बॉन्ड की बात आए तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है कि नहीं जो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा हो या उसके नीचे वाले पीरियड से बिलोंग कर रहा हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखो, मैंने लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ pi एंड pi d इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने लिया SO3, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रिक का पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ईजी है, राइट, आप क्विकली ये ड्रॉ कर लेंगे, राइट।
जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर शेप बनाएं, जस्ट ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आपको मालूम है 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, इसमें 3 सिग्मा है राइट, 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो वही कहने का मतलब है कि सल्फर ने अपना s यूज कर लिया, p में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल 3 घर हो सकते हैं और d इसका पूरा बाकी है। तो इसने sp2 का मतलब क्या हो गया, s और 2p यूज कर लिए, ये सब तो किस में चले गए, सिग्मा में। अब इसका पाई बॉन्ड काउंट करो, पाई बॉन्ड इसने कितना बनाया, पाई बॉन्ड टोटल इसने 3 बनाया राइट, तो 3 बनाया है। तो देखो एक ये पी बचा हुआ है, तो ये जो एक पाई बॉन्ड बनाया वो किससे बना होगा, पी पाई से। सल्फर का भी पी यूज हुआ और ऑक्सीजन का तो पी यूज होगा, ऑक्सीजन के पास डी नहीं है। उसके बाद अभी भी ये दो और पाई बना रखा है राइट, तो दो पाई आप कैसे बनाएगा, ये दोनों डी को यूज करेगा, तो इसलिए सल्फर का डी यूज हुआ, ऑक्सीजन का पी, तो ये दोनों बॉन्ड कैसे बना हुआ, सल्फर का डी है और ऑक्सीजन का पी है। तो इसलिए अगर मैं SO3 में बात करूं तो पी पाई हो जाएंगे 1 और पी पाई डी पाई हो जाएंगे आपके 2। ये सल्फर का है, ये ऑक्सीजन का। तो आई होप समझ में आया होगा, बहुत ईजी है कैलकुलेट करना। चलिए एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, XeOF4। तो आप क्या करेंगे, XeOF4 का आप नॉर्मल जैसे मन करे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो राइट। तो ये 6 बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालो, ध्यान से देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और एक यहाँ पे 1 सिग्मा, 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 6 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2 राइट, क्योंकि 5 सिग्मा 1 लोन पेयर है। sp3d2 कहने का मतलब क्या हो गया, s p में 3 और d, ध्यान से देखो s यूज कर लिया इसने, P के तीनों यूज कर लिए इसने, D का भी 2, यहाँ तक तो वो किस में चला गया, सिग्मा में। उसके बाद इसमें पाई बॉन्ड काउट करो, तो पाई बॉन्ड कितना है, एक ही बनाया है राइट, और वो किससे बनाएगा, तो आप ही सोचो, क्योंकि इसने S, P और D भी 2 यूज कर लिया, तो ये वाला D यूज होगा राइट। तो इसलिए इसमें P पाई अगर पूछे तो वो तो 0, क्यों, क्योंकि जिनोन के पास अब P बचा नहीं, सब तो वो सिग्मा में यूज कर लिया। और पी पाई डी पाई की बात करें तो एक पाई बॉन्ड बना रखा है, इसलिए एक, पहले ये भी देखना है कि पाई बॉन्ड है कि नहीं राइट। तो एक पाई बॉन्ड बना रखा है जिसमें जेनॉन ने अपना डी यूज किया राइट, और ऑक्सीजन तो अभी भी अपना पी यूज करेगा। सिमिलरली सी में बात करते हैं, H3PO4, तो आप क्या करेंगे, पी डबल बॉन्ड OH एंड OH राइट। तो इसमें देख सकते हो 4 सिग्मा है, तो sp3, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर से sp3 हो गया, मतलब फास्फोरस ने अपना s और p3 यूज कर लिया, d इसका पूरा खाली पड़ा हुआ है, s और 3p यूज कर लिया यहाँ से, तो ये सब तो चले गए उसके सिग्मा में। पाई बॉन्ड उसने कितना बनाया है, 1 पाई बॉन्ड बनाया है राइट। अब चूंकि p बचा नहीं तो वो किससे बना होगा, d से, तो इसलिए अगर मैं इसमें बात करूं तो पी पाई कोई पूछे तो 0, क्यों, क्योंकि फास्फोरस अपना पी पूरा का पूरा सिग्मा में यूज कर लिया है, और पी पाई डी पाई पूछे तो वो हो जाएगा 1 राइट। और ये किसका, मैंने फास्फोरस का लिखा और ये ऑक्सीजन का। कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं जितना पाई बॉन्ड होगा उतना पी पाई डी पाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, फिर वहां से आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे राइट। सिमिलरली H2SO4, तो H2SO4 आप बना लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे 4 सिग्मा 0 लोन पेयर से sp3, दैट मीन्स अगेन इसने s और 3p यूज कर लिया, तो अब जो भी पाई बॉन्ड बना इसने 2 पाई बॉन्ड बनाया है, पाई कितना बना इसने 2, तो ये जो भी बना वो किससे बना हुआ है बताओ, तो D से, क्योंकि P तो पूरा यूज कर लिया, तो ये दोनों D यूज किया होगा, तो इसलिए इसमें P पाई बात करेंगे तो 0, और P पाई D पाई बात करेंगे तो वो 2, ये किसका, सल्फर का बात कर रहा हूँ और ये ऑक्सीजन का। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन P पाई D पाई बॉन्ड, और मान लीजिए ये ऑप्शन आपके सामने है राइट, P पाई D पाई बॉन्ड की बात हो रही है,
तो एक करने का स्मार्ट तरीका यह है कि पी पाई डी पाई जैसे ही बोला तो हमें देखना है कि मॉलिक्यूल में एटलीस्ट थर्ड पीरियड का एलिमेंट या उससे नीचे वाला एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, कार्बन सेकेंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड, तो इसमें तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है। सिमिलरली HNO3 में हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड, तो यहाँ भी चेक ही नहीं करना आपको, राइट। यहाँ पे कार्बन सेकेंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड, तो यहाँ भी चेक ही नहीं करना है, तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचा, डेट इज डी। और HClO4 में हो जाएगा, क्यों, हाइब्रिडाइजेशन है sp3, राइट, और तीन तीन पाई बॉन्ड है तो तीनों पी पाई डी पाई होंगे। तो ये करने का स्मार्ट तरीका हुआ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, विच मॉलिक्यूल कंटेन पी पाई एंड पी पाई डी पाई, तो दोनों कंटेन करना है, तो डेफिनेटली अगेन आपको वो मॉलिक्यूल सर्च करना है जिसमें थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले एलिमेंट हो, तो इसमें तो चेक करना क्या है, बेवकूफ़ी है, और अगर ये नहीं होगा तो ऑप्शन डी नहीं होगा। अब इन दोनों में से बचा H2SO4 में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हो जाएगा sp3। sp3 को करने मतलब कि s और p पूरा उसने यूज कर लिया, राइट, सिग्मा में, तो पाई बॉन्ड जो भी इसने बना रखा है दो, वो सब d से बना है, तो पी पाई यहाँ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कौन होगा, c। क्यों, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो दो सिग्मा एक लोन पेयर से sp2, तो sp2 कहने मतलब कि s और दो p यूज किया है, तो अभी भी एक p बाकी है, तो उस p से उसने एक पी पाई बनाया होगा, और चूंकि इसमें पाई बॉन्ड दो हैं तो दूसरे वाले पाई बॉन्ड डी से बने होंगे, तो इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम जाते जाते ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान की बात में यह है कि अगर कहीं पे आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला और वो sp3 आ रहा है, किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रेशन आपने निकाला sp3 आ रहा है, तो और उसमें नंबर ऑफ पी पाई डी पाई कैलकुलेट करना हो, पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं, तो वो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि उस मॉलिक्यूल में जितने पाई बॉन्ड होंगे उतना ही नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2SO4, तो आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप क्विकली हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, sp3। चाहे sp3 हो या उसके आगे हो, sp3d हो, sp3d2 हो, जो भी हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 या उसके आगे वाला हो तो नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड उतना ही होगा जितना उसमें पाई बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल में। जैसे फॉर एग्जांपल, तो sp3 हो गया, तो अगर इसमें नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड की बात करता वो, तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि दो पाई बॉन्ड बनाया, तो कितने हो जाते हैं, दो। ये कहने का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ध्यान दें sp2 है, तो उस केस में नंबर ऑफ पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड निकालना हो तो जितना मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होगा उससे एक कम कर देना। फॉर एग्जांपल SO2, तो SO2 आप बनाओगे तो यहाँ पे दो सिग्मा एक लोन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, राइट, तो इसलिए पी पाई डी पाई अगर आपसे पूछे तो डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो, दो पाई बॉन्ड है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डेट इज 2 -1, तो कितना जाएंगे।